व्हाट्स अप गेमर्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नई GTA ग्रैंड आरपी की वीडियो में। आप सभी को ध्यान हो तो लास्ट मैंने एक प्रीवियस एक कार बाई की थी जिसको मैंने बेच दिया है, और अभी मैंने रिसेंटली ये बाई किया था क्योंकि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी। चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। तो आज की इस वीडियो में, आपने थंबनेल और टाइटल से आप समझ ही गए होंगे, तो आज की इस वीडियो में हम इनके ये जो गाड़ी दिख रही है, हम इसके पापा को खरीदने वाले हैं जिसका नाम है कमाचो। तो आज की देख सकते हो आप, 3 लाख, मेरे 3.5 लाख पड़े हुए हैं मेरे अकाउंट में, और मेरे पास अभी प्राइम नहीं है, तो मैं अभी ऑर्डर करूँगा तो वो कल तक आएगी। तो आपके लिए तो उसी टाइम आ जाएगी जब मैं ऑर्डर करूँगा, उसी टाइम आ जाएगी, लेकिन मेरे लिए वो कल तक आएगी। तो कल तक मैं उसके इंश्योरेंस का और उसका भी पैसा कल इकट्ठा कर लूँगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे लिए ईजी है, तो वो पैसे वैसे तो मैं इकट्ठे कर लूँगा। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें। तो चलते हैं, अब लेने चलते हैं कमाचो। तो अपन कमाचो लेने के लिए ऑटो फेयर आ चुके हैं, बाकी तो वहाँ पर जाएंगे, ऑटो फेयर क्या, ऑटो सैलून आ चुके हैं, ऑटो फेयर तो जाएंगे, तो ऑटो फेयर पर गाड़ी महंगी बिकेगी। तो यहाँ चलते हैं और बुक करते हैं एक बार कमाचो। यहाँ पर आना है शिव के पास और शो में व्हाट्स डे ऑन सेल पे जाना है, फिर अपन को जाना है प्राइम में। आप लास्ट में जाओगे तो आपको प्राइम में दिख जाएगा, ये रहा कमाचो, ये प्राइम में है, 3,30,000 का ये ट्रक है जो कि काफ़ी औसम होगा, वैसे भगेगा भी काफ़ी औसम। जो अभी मैंने गाड़ी ली है ये मुझे 1 लाख में मैक्स पड़ी है और वो 200 जा रही है, तो सोचो फिर कमाचो कितना जाएगा। तो इसलिए अपन कमाचो बाय कर रहे हैं, और मुझे स्पेस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं इसको रेड कलर में बाय करता हूँ, या फिर कौन से कलर में बाय करूँ ये मैं सोच रहा हूँ। थोड़ा सा मैं एक बार सोच रहा हूँ, आज एक गाड़ी ग्रीन कलर में लेते हैं, एकदम ऑफ रोड, बट वो गैंग से मिलती भी हो जाएगी, इसलिए गैंग से मिलती हुई गाड़ी नहीं लेनी, अपन सिंपली ब्लैक ऑफर ऑर्डर करते हैं और बाइक में इन सब को भी कलर चेंज कर देंगे। तो चलते हैं बिना किसी देरी के, आप लेके आते हैं एक बार पैसा, फिर आकर यहाँ से ब्लैक में ऑर्डर कर लेंगे। चलते हैं अब तो अपने पास ये देख रहे हो, ये फुल अब मक्खन चलती है गाड़ी, ये भी अच्छी है। कमाचो जब नहीं चलाना होगा तब ये चलाएंगे, वैसे मैं कमाचो लेने के बाद इसको सेल पे लगा दूंगा, तो बट जब तक कमाचो नहीं है तब तक अपने पास एक अच्छा सा कार रहेगी, इसको अपन कुछ 1 लाख में सेल लगा देंगे, बिक जाएगी ये भी, क्योंकि अपन ने प्रॉपर जो पैसे लगाए हैं उसी में इसको सेल लगाएंगे। तो चलते हैं अब यहाँ से विड्रॉल कर लेते हैं, तो अपन ने सारा पैसा निकाल लिया है, देख सकते हो 3.5 लाख। अब फटाफट चलते हैं, नहीं तो पता पड़ रहा आजकल सीटियो में भी रोबड़ी चलती है गाइस आजकल। अरे एक तो बस इसमें ये दिक्कत है, मुझे इसमें ये दिक्कत है, अब सही है। ओके, अब चलते हैं वापस से ऑटो सैलून, बस ज़्यादा दूर नहीं है ऑटो सैलून, ये है थोड़ा ज़्यादा बिल्कुल पास में ही है ऑटो सैलून। तो अब्दुल्ला भाई का कॉल आ रहा है, मैं उनको छोड़ के आ गया था, वो किसी से बात कर रहे थे, मैं इसलिए उनको छोड़ कर आ गया था। तो अब चलते हैं अंदर और बाय करते हैं अपनी कमाचो, फटाफट चल कर कमाचो बाय कर लेते हैं। ई प्रेस करते हैं, स्टीव के पास जाते हैं और एक्सक्लूसिव में प्रीमियम में आएगी, प्रीमियम में लास्ट से। ओके, तो ये रहा अपना कमाचो ब्लैक कलर में, इसको ऑर्डर कर देते हैं। फाइनली अपना कमाचो ऑर्डर हो चुका है और 12 आवर में मेरे पास होगा, यानी कि 12 घंटे में, क्योंकि मेरा प्राइम नहीं है अभी मेरे पास, तो 12 घंटे में मेरे पास होगा। तो मैं मिलता हूँ अब आपसे 12 घंटे बाद। The next day. Okay, तो मेरी जस्ट अभी ग्रैंड आरपी वालों से बात हुई है, उन्होंने बोला सर हमने आपकी गाड़ी डिलीवर कर दी है, आपका कमाचो आप तक डिलीवर कर दिया है, तो आप प्लीज़ उसकी नंबर प्लेट और इंश्योरेंस करवा कर फिर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा कर घुमा सकते हो। तो मैं अपना ये वाला ट्रक लेकर यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, अपना रेथ लोडर ही लेकर यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियो में, मतलब इससे पहले जो मेरे पास रेड वाला ट्रक था वो भी मैंने बेच दिया, मतलब 12 घंटे वेट करने को बोल रहा था, तो मेरे को 12 घंटे में इतना कुछ कुछ कर दिया, मैंने वो गाड़ी बेच दी। उसके अलावा मेरे अकाउंट में आप देख सकते हो 1,84,000 डॉलर अर्न कर लिए हैं मैंने, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैं इसके पास आया हूँ क्योंकि अपने कमाचो के लिए अपन को नंबर प्लेट लेनी पड़ेगी, क्योंकि अपनी कमाचो है 3.5 लाख डॉलर की, तो 3.5 लाख डॉलर की अगर हमारी कमाचो है तो उसका इंश्योरेंस हमें पड़ेगा 35,000 का, 5,000 की हमें वहाँ पर पार्किंग देनी है, और उसके अलावा अपन लोगों को नंबर प्लेट पड़ जाएगी कुछ
15,000 की, 15-16 हज़ार की, तो अपन इससे ले लेते ना, 3,000 की मिल जाएगी। और तो क्या, वहाँ पर भी अपने उनके हिसाब से ही देते हैं, तो यहाँ पर भी अपने हिसाब से ही ले लेते हैं। बट मेरे दिमाग में तो पता है क्या नंबर प्लेट लेने का था, ये 50,000 की है, क्या करें, ये वाली नंबर प्लेट ले लें, ABC 243। इच्छा तो हो रही है मेरी ये वाली नंबर प्लेट लेने की, क्योंकि बहुत पैटर्न है ABC 234। मैं अगर ये लूँ तो उसके अलावा तो अपन कुछ भी लिखेंगे तो उस नंबर प्लेट के पैसे लगेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ जब जब इतनी महंगी अपनी कमाचो ले ही रहे हैं, तो उसका नंबर प्लेट भी यही बाइक कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी 50,000 लेके आता हूँ मैं फटाफट बैंक से, और 50,000 की नंबर प्लेट बाय कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। A few moments later. ओके, तो आप मेरे ऊपर अकाउंट में देख सकते हो, मैं 50,000 निकला के लिए आया हूँ, और मेरी यही वाली नंबर प्लेट बाय करूँगा, क्योंकि अब मुझे ये वाली पसंद आ चुकी है। तो अपनी कमाचो सिलेक्ट करते हैं और 50,000 प्लेट इज बिजी यार, शिट यार, ये नंबर ऑलरेडी टेकन है, तो बाकी मैं ये ले लेता। बट अब अगर ये टेकन है तो अपन कुछ भी लिखेंगे तो वो 5 मिलियन तक की चली जाएगी, तो 5 मिलियन की नहीं लेते। वैसे 50,000 की खूब बिक्री है, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं है, AAWN ये इतनी खास नहीं है। तो अब अपन सिंपल ही ले लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सस्ती से सस्ती नंबर प्लेट देखते हैं, और ये ले लेते हैं 3-5 हज़ार की, देखते हैं कोई अच्छा सा नंबर होगा वो ले लेंगे अपन, 5,000 वाली ही लेंगे, 7HDQ 784। ओके, तो मैंने ये वाली नंबर प्लेट सिलेक्ट कर ली है, जो कि इतनी खास नहीं है, लेकिन ठीक है, फिर भी अपनी कमाचों के लिए अच्छी लग रही थी मुझे, क्योंकि उसमें एक्स लिखा हुआ था, AIX, एक्स, एक्सिस बैंक की तरफ से हमने नंबर प्लेट खरीद ली है। तो अब अपन जाने वाले हैं ये वाली पार्किंग, कौन सी वाली पार्किंग, अपन जाएंगे ये वाली पार्किंग। अब ये वाली पार्किंग तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर बैंक में सारा पैसा डाल दूँ, नहीं तो पता पड़ेगा मेरे को हाईवे पे रोब कर लिया गया है और मेरा सारा पैसा चला गया है, क्योंकि 50,000 लेके नहीं घूमूंगा मैं सिर्फ यहाँ पर सारा नंबर पैसे डाल देता हूँ, फिर वहाँ जाके अपनी गाड़ी पार्क कराएंगे। तो अब मिलते हैं वहीं पर, फटाफट से चलते हैं वहाँ पर। One hour later. ओके, तो मेरी पार्किंग वाले भैया से बात हो गई है, उन्होंने कहा सर आपकी गाड़ी वो खड़ी हुई। यो बेबी, तो ये रहा अपना कमाचो, क्या ही लुक है यार इसका, फाइनली अपन ने कमाचो बाय कर लिया गाइस, फाइनली कमाचो अपना। अब लेकर चलते हैं इसको SMPS, वहां पर जाकर वो गजब लुक है इसका। तो अब अपन को जाना है SAHP, जहाँ जाकर अपन इसका इंश्योरेंस बाय करेंगे। देख बार आप लुक देख लो, क्या ही लुक है, अब फटाफट से चलते हैं। वो पिकअप भी बहुत तगड़ा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से चलाएंगे, नहीं तो इसका इंजन ख़राब हो जाएगा, उसको रिपेयर कराने की कॉस्ट काफ़ी पड़ जाएगी। एक बार चलते हैं। Can help you, sir? सर आई वॉन्ट टू बाय इंश्योरेंस फॉर दिस व्हीकल। How can help you, sir? सर आई वॉन्ट टू बाय इंश्योरेंस फॉर दिस व्हीकल। बाय इंश्योरेंस? यस सर, यस यस के नो सर। यस 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 सर। सर शो मी योर पासपोर्ट। टू द साइड, या तो अपने यहाँ पर पुलिस ऑफिसर से बात हो चुकी है, उनको अपन ने अपना पासपोर्ट दिखा दिया है, तो वो अब अपनी गाड़ी को इंश्योरेंस कर रहे हैं। अभी 35,000 का यहाँ पर वो आ जाएगा, 35,000 की पड़ जाएगी है। इसका इंश्योरेंस ही 35,000 का था, अपना पिछला ट्रक की पे 27,000 का था। ओके, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास नंबर प्लेट तो है ही, खाली इंश्योरेंस चाहिए अपन को इस गाड़ी का। तो अभी सर मैसेज करेंगे और अपन इंश्योरेंस खरीद लेंगे इसका। ओके, तो फाइनली सर ने यस अपन को भाई मैसेज सर, दे दिया है, और थैंक अपन यू सो मच ने सर, हैव अ नाइस डे। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू। यू सो मच सर, हैव अ नाइस डे। ओके, तो यहाँ पर अपनी उन सर से बात हो चुकी है, सर ने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कर दिया है। अब एक बार अपन इसको साइड में लगाते हैं हाईवे पर, और अभी अपन इसकी टॉप स्पीड भी चेक करने वाले हैं, देखते हैं इसकी टॉप स्पीड कितनी है। तो यहाँ से अपन ने भगाना स्टार्ट करा है। ओके, 150 टच हो चुका है। ओके, तो इसकी लास्ट स्पीड है 170, 172, तो काफ़ी अच्छा है वो, तो अपन अपग्रेड करेंगे तो 210 चला जाएगा, तो अपने लिए काफ़ी है, क्योंकि अपन को तो अभी इसको लेकर सिर्फ घूमना है। लेकिन 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 इस गाड़ी की मैंने आपको शिट मैंने इस गाड़ी की आपको एक स्पेशल बात बताई नहीं। इसको एक तो अपन ऑफ रोड कर सकते हैं बिंदास,
उसके अलावा जब आप जी दबा के इसका ट्रंक खोलोगे ना, तो यहाँ पर देख सकते हो आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रंक स्पेस है, समझ रहे हो। तो अपना सारा सामान फटाफट से इधर शिफ्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रंक स्पेस है यहाँ पर। अपना इंडिया का फ्लैग और ये अपनी फिश जो भी है मैंने पकड़ी थी, और 51 मैंने पहले पकड़ी थी, तो दोनों को मर्ज कर देते हैं। और अपनी लॉक पिक जो भी कोई बंदे ने खरीद के मतलब ड्रॉप की थी, तो तुम्हारे भाई ने वहाँ पर उठा ली। और उसके अलावा ये 4 सीटर गाड़ी है, जो कि और काफ़ी अच्छी बात है। बस अपन को इसको अब विजुअल अपग्रेड करवाना है, तो फटाफट से चलते हैं एक बार इसके लिए ग्राफिटी चेक करते हैं, और उसके बाद अपन इसको विजुअल अपग्रेड कराने ले जाएंगे। लेट ओके। तो यहाँ पर ये जगह मतलब ट्रेजर में ढूंढने की थी, यहाँ पर जो ट्रेजर चलता है ना उसके अंदर ये प्लेस ढूंढने का था, और तुम्हारे भाई ने ये प्लेस ढूंढ लिया। तो अपन को यहाँ से एक ये मिल चुका है, क्या नाम है ये, कंटेनर है। तो अपन इसको ओपन ही कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कुछ कैश वेश मिले या क्या मिले, अपनी जैसी किस्मत। ओह वाह, नाइस कंटेनर ओपनिंग। ओके, 5,000 मिले जो कि काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अपन इसको ज़्यादा हम बेच सकते थे, लेकिन कोई ना, अपन को 5,000 मिल गए, अपन उसी में खुश है। तो अब चलते हैं एक बार बैंक में, मेरे पास थोड़े पैसे ज़्यादा हो गए, मैं इतने पैसे हाईवे पर लेकर निकलना नहीं चाहता। तो एक बार बैंक जाकर पैसे सारे बैंक में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। 5 minutes later ओके। तो यहाँ पर अपन बेनी के पास आ चुके हैं, देखते हैं बेनी के पास अपनी गाड़ी के लिए क्या मौजूद है। ओके, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये वो नॉर्मल है, अपना जो स्टॉक है वो है। एक ये वाला है 52,000 का, जिसमें सिर्फ साइड में कमाचो लिखा हुआ है। और फिर ये वाला है, इसमें 2 पट्टे आ रहे हैं। फिर ये वाला है और ये वाला है, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि स्टार स्टार है। और उसके अलावा ये कौन सा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें क्या है। अच्छा, इसमें पूरा कलर करवाएंगे उसके बाद पता पड़ेगा। ये तो साइडों में हो रहा है। ओह वाह, ये वाला अच्छा लग रहा है अपना कमाशो। हाँ, ऐसा फुल चाहिए अपन को, ऐसा अच्छा सा फुल वाला पूरा खरीदेंगे, मतलब पूरा होगा ना। तो मुझे वैसे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला खरीद लेंगे अपन, ये ज़्यादा पैटर्न लग रहा है, सबसे पैटर्न यही लग रहा है। लेकिन 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 ये खरीदने से पहले मैं सोच रहा हूँ अब इसको पहले विजुअली अपग्रेड करवा लेते हैं, लाइटें वाइटें, ताकि कुछ एक्स्ट्रा का भी लगना होगा तो वो भी लग जाएगा। तो अपन ने कमाचो उड़ा दिया है, तो अपन इसको विजुअली अपग्रेड कराने के लिए सबसे पास में अपने अभी यही है हाल फिलहाल, तो यहाँ जाना होगा। लेकिन मैं यहाँ जाने से पहले सोच रहा हूँ थोड़ा यहाँ से इस बैंक अकाउंट से पैसा निकाल कर फिर ही चलते हैं वहाँ पर। ओके, तो अपन विजुअल अपग्रेड कराने पहुँच चुके हैं। बस यहाँ पर जब अपन करा रहे हो तब कोई ना आए तो ज़्यादा बेटर है, वैसे स्टेटस बिजी हो गया क्योंकि अपन है। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसके रेयर बम्पर पे, अब रेयर बम्पर देखते हैं कौन कौन से है। ओके, ये तो लाइटों का ही हो रहा है क्या अभी। ओके, तो मैं सोच रहा हूँ इसको एक्सेसरीज वैसे ही अपन लगवाएंगे, तो उसके ऊपर ब्लैक अच्छा लगेगा, तो टोटल अपन एक्सेसरीज का कलर ब्लैक रखेंगे। 7,000 तो यही ले गया। अब रेयर पे आ जाते हैं फ्रंट बम्पर टुमारो, बट कोई ना। ओके, तो अपन ने बाय कर लिया है सब कुछ, सिवाय अपन ने क्या नहीं लगाया इसमें, एक दो चीज़ें नहीं लगवाई है। वो एक दो चीज़ें नहीं लगवाने का रीज़न ये था कि अपन को थोड़ा महंगा पड़ेगा, जैसे अब बहुत पैटर्न लग रहा है ये। तो अब एक बार चलते हैं बेनी के गैराज और इसको विजुअली भी वो करवा लेते हैं 52,000 का फटाफट से। ओके, तो मैं बेनी के पास आ चुका हूँ और मैं एक ही कलर करवाने वाला हूँ, तो आप सभी को पता है ये वाला। लेकिन ये वाला उस टाइम ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि इसके दरवाजे थे, तो मैं अभी जाकर इसके दरवाजे एकदम स्टॉक करवा दूंगा वापस। बाकी ये अच्छा लग रहा है तो इसको कर लेते हैं 25। ओके, तो फाइनली अपन का पूरा हो चुका है कंप्लीट, देख सकते हो तुम लोग। अब एक बार इसको बाहर निकालते हैं, थोड़ा सा इसका हुड का काम वापस करवाना पड़ेगा मुझे। One eternity later. ओके, तो यहाँ पर तुम अपना पूरा कमाचो चारों तरफ से देख सकते हो, मैं तुम्हें अच्छे से घूम कर दिखा देता हूँ। क्या ही टेबल लग रहा है, एकदम बहुत खतरनाक लग रहा है और बहुत ही अच्छा भी लग रहा है क्योंकि इसकी जो अपन ने ग्राफिटी कराई है ना, बहुत पैटर्न लग रही है। अब एक बार इसके बोनट पे चढ़ते हैं अपन, और इसके बोनट पे चढ़ के मैं क्या करूँगा पता है? तो तुम्हें पता है मैं अपने कमाचो के बोनट पे चढ़कर क्या करूँगा? तो मैं अपनी कमाचो के बोनट पे करके चढ़ूंगा और फिर दबाऊंगा, अपनी इन्वेंट्री खोलूंगा और यहाँ पर करूँगा यूज़। सो गाइस, अब लेते हैं एक मस्त सा फ़ोटो, खोलते हैं अपना फ़ोन, निकालते हैं कैमरा और दबाते हैं आर। बट यार कैमरा में वो नहीं आएगा, तो एक बार ऐसे ही कमाचो के साथ ले लेते हैं अपनी फ़ोटो।
ओके तो गाइस आई होप आपको मेरा खमाचू पसंद आया होगा जो कि मैंने इसको कस्टमाइज करा है। तो एक और वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर मैं थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लूँ। अभी मेरे पास सिर्फ 34,000 है तो मैं थोड़ा और पैसा इकट्ठा करके इसको अपन जो इसके अंदर का सिस्टम है वो सब भी अपग्रेड कराएंगे। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर दें। और हाँ, मैंने एक ऐसी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि आप 1,00,000 रुपये कैसे कमा सकते हो 1 घंटे में। तो आप मैंने भी ये कमाचो लिया है, तो सोचो मैंने भी कैसे लिया होगा। इतनी जल्दी सिटी में आए हुए मुझे टाइम नहीं हुआ और मैंने इतनी जल्दी कैसे ले लिया। तो आप मेरी सारी वीडियोज़ देखोगे और समझ जाओगे। तो गाइस मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।